आधार पर पहली बार अंग्रेजों ने भारत में बंटवारा किया और ये बंटवारा जब हुआ तो सारे भारत देश में इसका विरोध हुआ। और विरोध क्यों हुआ? संप्रदाय के आधार पर आप देश का अगर बंटवारा करते हैं, किसी राज्य का बंटवारा करते हैं तो भयंकर मारामारी होने वाली है। तो श्री लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले इसका विरोध किया और 1905 में श्री लोकमान्य तिलक ने एक आदेश जारी किया भारत के नागरिकों के लिए कि अगर अंग्रेजों की सरकार भारत के एक बंगाल राज्य का संप्रदाय के आधार पर बंटवारा करती है तो इस अंग्रेज सरकार को हम भारत में अब रहने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे। और उन्होंने ये घोषणा कर दी। श्री लोकमान्य तिलक के एक दोस्त थे, मित्र थे, विपिन चंद्र पाल, जो उस समय बंगाल के सबसे बड़े नेता थे। ऐसे ही श्री लोकमान्य तिलक के एक मित्र थे श्री अरविंदो घोष, जिनको आपने जाना होगा, जो बाद में सन्यासी हो गए और पांडिचेरी में उन्होंने आश्रम बना लिया और वहीं पर आखिरी जीवन उनका बीता। तो श्री अरविंदो घोष और विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सारा शंकर बंदोपाध्याय, ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों सैकड़ों बंगाल के नेता श्री तिलक के पास मिलने के लिए पुणे में आए और तिलक के सामने उन्होंने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। श्री लोकमान्य तिलक ने कहा कि पूरे बंगाल में आपको श्री गणपति के नाम पर उत्सव शुरू करना चाहिए। तो जो नेता आए थे उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में बंगाल में गणपति उत्सव तो कोई मनाता नहीं है और गणेश जी को बंगाल में कोई ज्यादा प्रभाव भी नहीं है। तो लोकमान्य तिलक ने पूछा, फिर आप बताइए आपके यहाँ किसका प्रभाव है? तो उन्होंने कहा जो नव दुर्गा होती है, दुर्गा पूजा होती है, उसका बंगाल में बहुत असर है। तो श्री तिलक ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ महाराष्ट्र में गणेशोत्सव करता हूँ, आप बंगाल में दुर्गा उत्सव शुरू करिए और इसके साथ संगठन बनाइए और अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ फिर हमें लड़ना। तो इस तरह से श्री लोकमान्य तिलक के प्रयासों से पूरे बंगाल में 1905 से दुर्गा उत्सव शुरू हुआ, जो आज तक चला आ रहा है और भारत के अनेक राज्यों में फैल गया है। तो बंगाल में दुर्गा उत्सव, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव, ऐसा जब काम शुरू हुआ तो लाखों लाखों कार्यकर्ता श्री तिलक और विपिन चंद्र पाल के साथ इकट्ठे हुए। फिर इन कार्यकर्ताओं को लोकमान्य तिलक ने एक संदेश दिया कि गांव गांव जाना, गली गली जाना और अंग्रेजों की सरकार ने बंगाल का जो बंटवारा किया है हिंदू मुसलमान के आधार पर, इसका विरोध करना। तो श्री तिलक के जो कार्यकर्ता होते थे वो पूछते थे कि आप बताइए विरोध का तरीका क्या है। तो श्री तिलक ने उन सबको बोल रखा था कि देखो, अंग्रेजों की सरकार भारत में तभी तक चलेगी जब तक अंग्रेजों का माल भारत में बिकेगा। आप जानते हैं कि अंग्रेजों की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से चलती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की वस्तुएं भारत में बिका करती थी। तो श्री तिलक ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वस्तु जब तक भारत में बिकेगी अंग्रेजों को मुनाफा मिलेगा और जब तक उनको लाभ होगा तब तक वो भारत में सरकार चलाएंगे। तो हमें एक ही कार्य करना है कि गांव गांव जाकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चीज वस्तुएं बिकती है इनका बहिष्कार कराना। और ऐसे करके 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और वो बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके विरोध में शुरू हुआ। श्री तिलक ने पूरे बंगाल का प्रवास किया, छोटे छोटे गांवों में जाकर उन्होंने व्याख्यान दिए। तिलक के साथ अरविंदो घोष गांव गांव गए, अरविंदो घोष के साथ ताराशंकर बंदोपाध्याय, बहुत बड़े साहित्यकार थे, वो गांव गांव गए। श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा, वो श्री लोकमान्य तिलक के साथ गांव गांव गए। और इस तरह से बहुत बड़े नेताओं की टीम तैयार हुई, उन्होंने पूरे बंगाल में स्वदेशी की लहर पैदा कर दी। परिणाम क्या हुआ कि ये स्वदेशी आंदोलन 1905 में जो शुरू हुआ, दो वर्ष के बाद इसका इतना असर था कि बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान बिकना बंद हो गया, उनका कापड़ बिकना बंद हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की उस समय भारत में शक्कर बिकती थी, शुगर, क्योंकि शुगर भारत में बनती नहीं थी, वो इंग्लैंड से आती थी, तो शुगर बिकना बंद हो गया। और इस स्वदेशी आंदोलन का इतना असर हुआ पूरे बंगाल में कि जो मिठाई बनाने वाले लोग हैं,
स्वीट्स बनाने वाले लोग, उन्होंने शक्कर इस्तेमाल करना बंद कर दिया, गुड़ से मिठाई बनाना शुरू किया। इतना प्रभाव था। उसके बाद हमारे भारत देश में उस समय ब्लेड नहीं बनता था, ये बात है 1905 की, 1905, ब्लेड नहीं बनता था, इंग्लैंड से ब्लेड आता था भारत में। तो जो सैलून चलाने वाले लोग होते थे वो अंग्रेजी ब्लेड का उपयोग करते थे। श्री लोकमान्य तिलक ने जब उनको अपील किया कि आप ये अंग्रेजी ब्लेड वापरना बंद कर दो, तो सभी सैलून चलाने वालों ने अंग्रेजी ब्लेड का बहिष्कार कर दिया। अब समस्या आई कि शेव कैसे करना, ब्लेड तो नहीं है, तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जो आज तक इस देश में चलता है। हम लोग हिंदी में उसको उस्तरा कहते हैं, कन्नड़ में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। उसको बहुत अच्छे से शार्प करके उससे शेप बनाई जाती है, ब्लेड का उसमें इस्तेमाल नहीं होता। ये लोकमान्य तिलक ने शुरू कराया इस देश। उसके बाद हमारे भारत देश में उस समय डिटर्जेंट पाउडर नहीं बनता, हमारे भारत देश में डिटर्जेंट पाउडर नहीं बनता था, वो इंग्लैंड से इंपोर्ट होता था। तो श्री लोकमान्य तिलक ने लॉन्ड्री चलाने वालों को अपील किया कि अंग्रेजी डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल नहीं करना है। तो भारत के लॉन्ड्री चलाने वाले सभी लोगों ने मिट्टी से कापड़ धोना शुरू कर दिया, जमीन की मिट्टी से। ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है इसको इस्तेमाल करके कापड़ धोने का एक अभियान पूरे देश में शुरू हुआ। इसी तरह श्री लोकमान्य तिलक ने भारत के लोगों को अपील किया कि किसी भी घर में, परिवार में विवाह होगा तो वर और वधू शरीर पर अंग्रेजी वस्त्र धारण नहीं करेंगे। तो कौन से वस्त्र धारण करेंगे? तो उन्होंने कहा कि भारत में कापूस बहुत होता है, कॉटन बहुत होता है, कॉटन के बनाए हुए जो वस्त्र हैं उनका उपयोग करेंगे, और वर वधु दोनों जिनका विवाह कराने वाला पंडित है, पंडितों का एक बहुत बड़ा संघ बनाया श्री तिलक ने, और उन्होंने कहा कि आप उस वर वधु का विवाह कराइए जिसके शरीर पर खादी के वस्त्र होंगे या कॉटन के वस्त्र होंगे। अंग्रेजी वस्त्र अगर पहने हुए वर वधु है तो उनका बहिष्कार कर दीजिए। परिणाम यह हुआ कि वर और वधु ने भी कॉटन पहनना शुरू कर दिया। इस तरह से श्री तिलक ने भारत के अनेक अनेक समाज के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, और तिलक के साथ लाला लाजपत राय ने उत्तर भारत में बहुत बड़ा ऐसा ही अभियान चलाया। आप पूछेंगे कि इस अभियान का अंतिम फलश्रुति क्या हुआ? इस अभियान की सबसे बड़ी फलश्रुति ये हुई कि 1905 से 1905 से लेकर 1911 के बीच में 6 वर्ष के अंदर संपूर्ण भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की वस्तुएं बिकना बंद हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का कपड़ा बिकना बंद हो गया, उनका ब्लेड बिकना बंद हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुगर बिकना बंद हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का डिटर्जेंट पाउडर बिकना बंद हो गया। जो कुछ भी ईस्ट इंडिया कंपनी बेचती थी वो सब वस्तुएं बिकना बंद हो गई। लोगों ने संकल्प लेना शुरू किया। आपको तो सुनकर आश्चर्य होगा कि जैसे आपने यहाँ गणपति मंडल स्थापित किया है नवनगर में, श्री लोकमान्य तिलक ने संपूर्ण भारत देश में ऐसे सैकड़ों गणपति मंडल स्थापित किए। हरेक गणपति मंडल के कार्यकर्ताओं को वो शपथ दिलाते थे, प्रतिज्ञा कराते थे। गणपति मंडल स्थापित हुआ फिर उसके बाद एक शपथ ग्रहण समारोह होता था, प्रतिज्ञा समारोह होता था। उसमें पहली प्रतिज्ञा ये होती थी कि हम भारत देश के स्वराज्य प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे और गणपति हमारे आराध्य देव बनेंगे, हम स्वराज्य प्राप्ति के लिए काम करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा होती थी कि भारत में स्वराज्य प्राप्ति करने के लिए स्वदेशी का वरण बहुत आवश्यक है, इसलिए हम जीवन पर्यंत स्वदेशी व्रत धारण करेंगे और कभी कोई अंग्रेजी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर तीसरा संकल्प होता था कि अंग्रेज सरकार धर्म और संप्रदाय के आधार पर भारत को बांट रही है, हम धर्म और संप्रदाय के आधार पर कभी झगड़ा नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमानों से नहीं लड़ेंगे, मुसलमान हिंदुओं से नहीं लड़ेंगे। ऐसी 11 शपथ दिलाई जाती थी, और वो 11 शपथ लेने वाले कार्यकर्ता गणपति आंदोलन के सदस्य होते थे। उसमें से एक शपथ होती थी कि व्यसन जीवन में कभी नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, गुटखा तंबाकू कुछ नहीं खाएंगे और अपने को पवित्र बनाएंगे ताकि स्वराज्य प्राप्ति के लिए लड़ सके। ऐसी शपथ दिलाकर श्री तिलक
धीरे धीरे आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, 1905 से यह अभियान शुरू हुआ, 1911 में 1911 में स्वदेशी आंदोलन और गणेशोत्सव के कुल कार्यकर्ता 1,20,00,000 हो गए, 1,20,00,000। उस समय भारत का जो टोटल पॉपुलेशन था वो 53 करोड़ था, 20 करोड़ भारतवासी थे 1905 में, और उसमें से 1,20,00,000, 1,20,00,000 उनके कार्यकर्ता थे, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय के साथ काम करने वाले। गणेशोत्सव के माध्यम से इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज उन्होंने इकट्ठी की। अंतिम परिणाम क्या हुआ, 1911 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का सब कुछ बिकना यहाँ बंद हो गया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में बहुत तकलीफ आ गई, क्योंकि यहाँ से धन लूट कर ईस्ट इंडिया कंपनी लेके जाती थी, उनका माल बिकता था वो पैसा लंदन जाता था, जब यहाँ माल बिकना बंद हो गया तो यहाँ से पैसा लंदन जाना बंद हो गया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत तकलीफ की स्थिति आई। उस समय ब्रिटेन का राजा था, उसका नाम था जॉर्ज पंचम, उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक स्पेशल मीटिंग बुलाया और उसने ये कहा कि भारत देश में ऐसा क्या हो रहा है कि अब ब्रिटेन में पैसा आना बंद हो गया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपीज ने जॉर्ज पंचम को कहा कि भारत में एक बड़े नेता हैं श्री लोकमान्य तिलक, उन्होंने गणेशोत्सव का एक अभियान और स्वदेशी का आंदोलन शुरू कर दिया है और उसके कारण अब अंग्रेजी वस्तुएं भारत में बिकना बंद हो गई है, इसलिए इंग्लैंड में पैसा आना बंद हो गया। तो जॉर्ज पंचम इतना परेशान हुआ, उसने कहा कि ये लोकमान्य तिलक कौन है, तो उसके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने समझाया ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है, पुणे के पास उनका जन्म स्थान है, कार्य क्षेत्र उनका पूरा भारत देश है और उनके पास 1,20,00,000 कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी आर्मी है। तो जॉर्ज पंचम ने पूछा कि ब्रिटेन की आर्मी भारत में कितनी है, तो जॉर्ज पंचम को उत्तर मिला कि जो ब्रिटिश आर्मी भारत में है वो मैक्सिमम 3,50,000 है, 3.5 लाख की आर्मी है। और उन्होंने कहा कि लोकमान्य तिलक की आर्मी कितनी बड़ी है, तो उन्होंने कहा कि 1,20,00,000, 1,20,00,000 की आर्मी है। तो फिर जॉर्ज पंचम ने कहा कि उसका कमांडर इन चीफ लोकमान्य तिलक 1,20,00,000 की आर्मी है, कितनी बड़ी आर्मी है, मैं उसको देखना चाहता हूं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि वो आर्मी अगर देखनी है तो आपको भारत जाना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, मेरी भारत यात्रा का कार्यक्रम बनाओ। तो दिसंबर में 10 तारीख को जॉर्ज पंचम भारत आया, दिसंबर 10 को जॉर्ज पंचम भारत आ गया, ये देखने के लिए कि स्वदेशी आंदोलन की, गणपति आंदोलन की आर्मी कितनी बड़ी है।